फोर लेन बाईपास 250 करोड़ के खर्चे से चालू हो गया है। एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय की स्थापना 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ हो गई है। 1900 करोड़ रुपए की लागत से मनिहारी साहेबगंज के बीच में 6 किलोमीटर लंबा 4 लेन ब्रिज गंगा के ऊपर बनाने का काम का शिलान्यास हो चुका है। 45,000 करोड़ की लागत से गगलिया, अररिया और सुपौल रेलखंड का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चालू कर दिया है। बिहार के भाइयों बहनों, सीमांत क्षेत्र के भाइयों बहनों, मोदी जी ने 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए खर्चेंगे। मैं 7 साल के बाद यहाँ आया हूँ। नीतीश बाबू, मुझे मालूम है आप मेरा भाषण सुन रहे होंगे, नुक्स निकालते होंगे, जरा कागज पेन लेकर लिख लीजिए। मैं 1,35,000 करोड़ का हिसाब लेकर आया हूँ। महामार्ग निर्माण के लिए 14,000 करोड़ रुपया और भी बढ़ गया है। ग्रामीण सड़क के लिए 9,000 करोड़ रुपया कहा था, 22,000 करोड़ खर्चा है। रेलवे के लिए 2.7 हजार करोड़ कहा था, 56,000 करोड़ खर्च किया है। हवाई अड्डे के लिए 600 करोड़ कहा था, 1,280 करोड़ रुपया खर्च किया है। पर्यटन के लिए 1,550 करोड़ कहा था, 1,600 करोड़ खर्च करा है। पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,000 करोड़ कहा था, 32,000 करोड़ रुपए का खर्चा पेट्रोलियम गैस के लिए किया। बिजली के लिए 16,000 करोड़ कहा था, उसमें से 14,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। किसान कल्याण के लिए 3,000 करोड़ कहा था, 7,800 करोड़ रुपया खर्च किया है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और डिजिटल बिहार के लिए भी 3,000 करोड़ कहा था, उसके सामने 4,100 करोड़ रुपया खर्च किया है। अब नीतीश बाबू, आप जरा हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया। लालू के साथ बैठकर कुर्सी बचाने के अलावे कुछ नहीं किया। नीतीश बाबू, भारत की जनता अब जागरूक हो चुकी है। गठबंधनों से, स्वार्थ से, सत्ता की कुटिल राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। विकास के काम करने से, अपनी विचारधारा को समर्पित रहने के से और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से ही प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है। भाइयों बहनों, आप सब सीमांचल के 4 जिलों से आए हैं, मुझे बताइए धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलिए जरा, और जोर से बोलिए। अब मैं नीतीश जी को कहता हूं, वो लालू जी एक बार बोल दे कि धारा 370 हटाई मोदी जी ने, अच्छा किया। जरा एक बार तनिक बोल दो। आप सब तो हाँ बोलते हो ना भाई, जरा जोर से बोलो, हाँ बोलते हो ना? अरे आपकी हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को सालों से भारत माता के सर पर लगा हुआ कलंक अपने डस्टर से पोंछ दिया। धारा 370 को उखाड़कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा। आतंकवाद और नक्सलवाद पर मोदी जी ने जिस मुस्तैदी से और जिस कठोरता के साथ कदम उठाए हैं, लालू जी इसको विभाजन की राजनीति कहते हैं। लालू जी, आपके समय में बिहार में क्या हो रहा था वो सबको मालूम है। मालूम है ना भाई, सीमांत क्षेत्र के लोगों मालूम है ना, माताओं बहनों को मालूम है ना। दिन दहाड़े अपहरण होते थे,
फिरौतियां मांगी जाती थी, हत्याएं होती थी, हत्याकांड होते थे और लालू जी लठ रैली निकालते थे। अब गांधी मैदान में लालू जी और नीतीश जी दोनों लठ रैली निकालेंगे और नीतीश जी अपने कंधे पर लालू जी को लेकर निकलेंगे। कैसा दृश्य होगा भाई बताओ। माताओं, भाइयों, बहनों, इस स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर हमने विकास की राजनीति की ओर जाना है। बिहार के युवा में मेगा है, बिहार के युवा में बुद्धि है, बिहार के युवा में मेहनत करने का जोश, मेहनत का स्वभाव है, मगर बिहार विकसित नहीं हुआ। आज जहां जहां मोदी जी की पूर्ण सरकारें हैं वो वहां देख कर आइए कि इस प्रकार का विकास हुआ है। मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं, आपने भाजपा को हमेशा वोट दिया मगर लंगड़ी सरकार बनाई। एक बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दीजिए, हम बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। मित्रों, मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, ये नीतीश लालू के गठबंधन को आप स्वीकार करते हो क्या? जरा जोर से बोलिए, पूरा बिहार देख रहा है आपको, स्वीकार करते हो क्या? अरे कैमरे वाला भी मेरे पर से हटकर पीछे जरा देखे। मैं फिर से पूछता हूं।